हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का अधिसूचना जारी हुआ है जो प्रधान शिक्षक से संबंधित है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 के नियम 6 में प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निर्धारित की गई है। नियमावली के नियम 6.3 में मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड, बीटी, बीएड, बीएएड, बीएससीएड, बीएलएड उत्तीर्ण होना अंकित है। वर्ष 2003 से दिनांक 31/3/2015 तक की अवधि में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को विभाग द्वारा सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। सेवाकालीन प्रशिक्षण के रूप में 2 वर्षीय DPE 6 मास संवर्धन कोर्स के साथ कराया गया। तो इस कोर्स को ना पहले शामिल नहीं किया गया था प्रधान शिक्षक नियुक्ति में, लेकिन अब इसको भी शामिल कर लिया गया है। अंकनीय है कि DPE को DLED के समरूप माना गया है। तद अनुसार सेवाकालीन प्रशिक्षण के आधार पर संबंधित प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान की स्वीकृति भी दी गई है। अतः उक्त वर्णित नियमावली के नियम 20 में निहित प्रावधान के आलोक में नियमावली के नियम 6.3 में अंकित प्रशिक्षण अर्हता तथा DLED के समकक्ष DPE 6 माह का संवर्धन कोर्स सहित को माना जाता है। इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। आज ही के डेट में 1/4/2022 के डेट में पत्र जो है जारी हुआ है, अधिसूचना प्राथमिक शिक्षा निदेशालय बिहार सरकार शिक्षा विभाग का। तो अब DPE के साथ 6 माह का संवर्धन कोर्स जो किए हुए हैं वह भी प्रधानाध्यापक की बहाली में शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।